आज हमें कार देखने कार के शोरूम जाना है। बजट का कोई इशू नहीं है, ठीक है? ऐसी ना चार गाड़ियां खरीद सकता हूँ मैं। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना तमाशा करने की प्रशांत? कब से देख रहे हो? जब भी मैं गाड़ी लेने की बात करती हूँ ना, तुम इंटरेस्टेड ही नहीं होते हो। तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम्हें गाड़ी घूमने के लिए चाहिए, स्टेटस के लिए चाहिए या फिर स्नैप डालने के लिए चाहिए? क्या? मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। कल से मैं एक घंटा जल्दी जाऊंगा। क्यों? ड्राइविंग क्लास लगा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे आती है, मैं सिखा दूंगी। प्रशांत 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 प्रशांत, ये देखो, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे लग के चार दिन की छुट्टी आ रही है। तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तो कहीं घूम के आते हैं ना, पहाड़ों में, वादियों में, समुद्र किनारे। हाँ, प्लान करें। प्लान? फिक्स है भाई, फिक्स है, फिक्स है। इस लॉन्ग वीकेंड पर हम लोग गोवा में होंगे और ऐसे ही पार्टी करेंगे। याद हो गए, छुपके। प्लान हुआ भी तो बीवियों को क्या करेंगे? स्ट्रिक्टली नो नो, छुप के आओ, भाग के आओ, कैसे भी आओ। कोई भी बच्चा नहीं रहेगा, कोई बीवी बच्चा नहीं रहेगा। बच्चे है ही नहीं हमारे। याद हो गया तुझे? चुप, मैं सीधा बोल दूंगा साजी को। साहिली, मैं गोवा जा रहा हूं मेरे भाइयों के साथ, ओनली बॉयज ट्रिप पर। प्रशांत प्रशांत, हाँ। ये देखो, नो वन डे प्लान। 2 डेज का प्लान है तो महाबलेश्वर जाएंगे, 3 डेज कोकन, 4 डेज ऊटी मैसूर, 5 डेज का प्लान होगा तो गोवा पांडिचेरी जाएंगे। अरे नहीं, मैं तो बिजी रहूंगा ना ये उन दिनों। कैसे? हमारी ऑफिस ट्रिप जा रही है ना, जाना पड़ेगा यार। हॉलीडेज में रखी हो ऑफिस ट्रिप? देखो ना, पता नहीं। हे, तुम्हारी ट्रिप में फैमिली भी अलाउड होती है ना? मैं आऊं? अरे नहीं नहीं, ये वो वाली नहीं है, ये सिर्फ एम्प्लॉयज की है सिर्फ। मेरा भी मन नहीं है जाने का ऑफिस वालों के साथ, लेकिन जाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, जाओ तुम। नहीं तो मैं कैंसिल बोल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, हम फिर कभी चले जाएंगे। ओके चलेगा। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही वाइफ से ट्रिप के लिए परमिशन मांगने की। साले, वाइफ से परमिशन मांगेगा तू? बॉस है क्या तेरी वो? देख, शुभम ने पहले ही प्लान कैंसिल कर दिया है। अगर तू भी वही करेगा तो तेरे साथ भी उतना ही बुरा होगा जितना उसके साथ हुआ। क्या बुरा हुआ उसके साथ? साले भूल गया, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया था तूने उसे। झूठ भूल के आ जाओ क्या? चले, वाइफ से झूठ बोलेगा तो डरने लगता तुझे? अबे सीधे सीधे बता दे, और हाँ बताना है, परमिशन नहीं लेनी, जस्ट चेंज योर माइंडसेट। मैं अपना प्रशांत बोल सकता तो हम लोग क्यों नहीं? क्यों भाई? हाँ, मैंने सीधे मुंह पे बोल दिया तो उसके। भाभी जी गुस्सा नहीं हो क्या? भाभी जी गुस्सा नहीं हो क्या? गुस्सा? अबे बैग भरने लग गए मेरी। ये हुई ना चरवाल। ये हुई ना शेर वाली बात। ऐसे ही नहीं, प्रशांत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। प्रशांत माय बॉय, यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हम्म,
परसों निकलने वाले हो ना तुम? बैकपैक नहीं करनी तुम्हारी? टाइम है अभी, मैं कर लूंगा। तुम करोगे? तुम्हें पता भी होता है कौन सी चीज कहाँ रखी है? फिर 25 बार आके मुझसे ही पूछोगे ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, उसे अच्छा मैं कर देती हूँ। बोला ना मैंने, मैं कर लूंगा। चार दिन की ट्रिप नहीं है, 2 दिन की है। आज ही बताओ ऑफिस वाले ने। कितना दिखा यार ये? ए, ए, मारना। प्रशांत चलो ऊपर आओ, टाइम देखो, जल्दी आओ। चल मुझे जाना पड़ेगा। हाँ भैया चलो, चल आता हूँ। बाय बाय, चल बिटू, चलो चलो चल। ये देख, इससे तो मुझे शादी नहीं करनी। तुझे लड़की देख कौन रहा है बे? सबके सामने ऐसे रोज आवाज मत दिया करो। तुम अगर टाइम पर घर आओगे ना तो मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, जबरदस्ती है क्या कि 11 बजे तक घर आ जाऊं? बच्चा नहीं हूं मैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम घर नहीं भी आए ना तो भी चलेगा मुझे। कल से बस अपनी कीज साथ में लेके जाना, दरवाजा खोलने के लिए मुझे उठना पड़ता है। हाँ भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। चेंजेस हो गए, मेल कर दो। ठीक है, ओके ओके, यस बाय। तुमने लास्ट टाइम आई से बात कब की थी? क्यों, कल कॉल आया था उनका। कितनी बार बोला है तुम्हें, हफ्ते में 1-2 बार कॉल कर लिया करो उन्हें, उतना भी नहीं होता तुमसे। बिजी रहता हूँ मैं। हद हो गई यार, अपने ही माँ बाप से बात करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, इतने बिजी हो तुम। हाँ हूँ, देख लूंगा मैं। मेरे घर वालों से तो बात करते नहीं, एटलीस्ट अपने कर लिया करो। प्रशांत ये जो है, सुन वो मयूर ने प्लान कैंसिल कर दिया। साला डरता है बीवी से, खुद की चाबी बीवी के हाथ में दे रखी है। सब के सब मशीन है साले। देख कोई आए ना आए, तू मैं और रोहित फिक्स है। तो है ना? हाँ हाँ, मुझे कौन रोक सकता है। चल बाय। और हाँ, वो मयूर को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दे। हरामी साला, दिल गद्दार भाई, उसे गद्दारी करेगा। पता है कल रात क्या सीन हुआ? मैं यहाँ से जा रहा था, उधर मुझे छन छन आवाज सुनाई दी। अभी वो छन छन नहीं, छुन छुन था। छुन छुन ही था। आज भाभी ने आवाज नहीं लगाया, माहौल गरम लग रहा है भाई। जाइए भैया जाइए, बुलावा तो आ गया है आपका। है लो, आ गया मैं ऊपर, अब खुश? व्हाट नॉनसेंस, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम सबको यही बताना चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे कितने कंट्रोल में हूँ? सबसे पहले ना तुम मुझसे रूडली बात करना बंद करो। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली बताओ प्रशांत, बच्चे जैसे हरकतें मत करो। कब से तुमसे नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं? तो मत करो ना, मत करो। करनी नहीं चाहिए तुमसे बात, सही है, क्योंकि ना ये हमेशा का हो गया है, हमेशा का। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, बस तुम्हें दूसरों पर डालना होता है, दूसरों पर फ्रस्ट्रेशन निकालना। तुम हो मेरी प्रॉब्लम, तुम। तुम्हारे हर बात पे मुझे रोकना टोकना, तुम ना हमेशा मुझे फील कराते हो कि मैं कितना गलत हूँ। इतना तो मेरी आई भी नहीं करती। मत करो यार, बच्चा नहीं हूं मैं। इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें मेरी? हाँ आजकल तो बहुत चुप रही है तुम्हें मेरी बातें।
कॉल किया प्रॉब्लम, बात की प्रॉब्लम, आवाज दिया प्रॉब्लम, कुछ भी किया तो प्रॉब्लम ही हो रही है यार। क्योंकि बर्डन में रहता हूं मैं हमेशा, ये करो वो करो, इससे बात करो उससे बात करो, या मैं चलो वहां चलो, क्या क्या करूं मैं, मेरी कुछ पर्सनल लाइफ ही नहीं रही है। फ्री रहना है मुझे, आप हमेशा कंट्रोल करती हो मुझे। कंट्रोल? मैं कंट्रोल करती हूँ तुम्हें? कहाँ से आ रहा है यार ये सब? हाँ, आज तक तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगता था, अब ऐसे अचानक क्या होता है कंट्रोल? क्या होता है कंट्रोल प्रशांत? कंट्रोल और केयर के बीच में ना फर्क होता है प्रशांत। लेकिन ये बातें तुम्हारे दिमाग में तो जाएगी नहीं ना, तुम्हारे दिमाग से बाहर है। तुम्हें तो हर चीज कंट्रोल लग रही है यार। क्या खाया, क्या पिया, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये पूछना मतलब कंट्रोल नहीं होता, केयर होती है। एंड आई डू केयर फॉर यू। क्या बोला तुमने, फ्री रहना है तुम्हें? क्या रेस्ट्रिक्शन डाला है मैंने तुम पर? क्या रेस्ट्रिक्शन डाला है मैंने तुम पर बताओ ना, अपनी मर्जी से तो रहते हो यार। देखो प्रशांत, एक्सेप्ट करो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे उन बैचलर दोस्तों की तरह नहीं हो सकती। शादी हो चुकी है तुम्हारी, 1.5 साल हुआ है हमें साथ में, तुम्हारी बैचलर लाइफ तुम जी चुके हो यार। अब तुम अकेले नहीं रहते कि जैसे मर्जी आए वैसे रहो, मैं रहती हूँ तुम्हारे साथ, मैं पार्ट हूँ तुम्हारी लाइफ का, मेरी भी लाइफ चेंज हुई है तुम्हारी वजह से। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है क्या कि तुम्हारे बाकी दोस्तों की बीवियों की तरह मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती? ये प्रॉब्लम है? ईगो आ रही है बीच में? हाँ, अगर किसी के बातों के इन्फ्लुएंस में आके ये सब बोल रहे हो ना, तो याद रखो, आई डू केयर फॉर यू बिकॉज आई लव यू, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू कंट्रोल यू। पर तुम ना उस लायक भी नहीं हो। लायक नहीं हूं तो छोड़ दो ना, वैसे भी तुम्हें चेंज चाहिए था, शायद यही होगा चेंज। जो तुम्हारे लायक होगा ना उसके साथ रहो। पहाड़ में जाओ प्रशांत। हेलो। अरे सुन ना, पैकिंग हो गई तेरी? वो तेरे बैग में मेरा थोड़ा सामान डाल दे भाई। हेलो। हाँ, देखते मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है, चलेगा। ओके बाय। Trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. मैं क्यों कुछ बोलूंगी आई? मैं बोल रही हूँ ना, ये कुछ भी नहीं हुआ है। तुमसे कुछ बोलना मतलब ना तुम टेंशन ही ले लेती हो। सब ठीक है, ऐसे ही कॉल किया मैंने, मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए कॉल किया, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, वो नहीं आए घर पे। आई मिठे हो का फोन, मैं नंतर बोलती तुझे। हाँ बाय, काळजी नको करू, बाय। कितने कॉल किए मैंने, उठाए क्यों नहीं? बिजी थी। एटलीस्ट एक मैसेज करती, परेशान हो गया था मैं। बिग डील,
तुम भी तो ऐसा ही करते हो। मेरी बात अलग है। क्यों, कैसे अलग है? मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? मैंने बोला था तुम्हें परेशान होने को। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें फ्री रहना है ना, तुम फ्री रहो। जब आना है आओ, जो करना है करो, मैं भी अपनी मर्जी से रहूंगी। कोई किसी को नहीं टोकेगा। नो केयर नो कंट्रोल। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। प्रशांत कहाँ है? फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, कब से कॉल कर रहा हूँ। है घर में, आइए आप। अरे क्या मैन, तू रेडी नहीं हुआ अभी तक, सब लोग वेट कर रहे हैं तेरा। और एक बैड न्यूज है रोहित। क्या हुआ रोहित को? उसने प्लान कैंसिल कर दिया। तो अब बचा कौन है? तू और मैं मैन। तो सब लोग क्या बोल रहे हैं साले? अरे वो तू सोफे पे क्यों? क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं नहीं नहीं, मैं लेकर आया। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेना पड़ेगा, बताइए आप। साइली अलार्म जाओ। आप क्या बोल रहे थे, बैठिए ना। हाँ, अरे मैं कह रहा था कि आप है ना, मेरी बीवी को आप जैसी बना दो। आप में और प्रशांत में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। और मैं देखो झूठ बोल कर आया हूं कि ऑफिस ट्रिप पर जा रहा हूं। अरे भाई इतनी एक्साइटमेंट, अभी से झूम रहा है। भाभी जी एक्साइटेड क्यों है इतनी? भाई चल। हाँ चल चल चल। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, तू निकल। अरे तू निकल, तू, मैं नहीं आ सकता। अरे मैं घर नहीं जा सकता, मेरी बीवी नहीं लेगी मुझे घर में। हाँ तो अकेले जाना तू। अरे अकेले कैसे? अकेले एंजॉय कर, सुनो ट्रिप, चल चल समझा कर। साले तुम जैसे लोगों की वजह से मुझ जैसे मासूम गोवा नहीं जा पाते। व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दे खुद को, खुद को एडमिन बोलता है। साइली, साइली मेरी बात सुनो। हद हो गई यार प्रशांत, हद हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। यार मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, क्या किया है मैंने। ऐसा मत बोलो यार, मुझे तुमसे क्यों प्रॉब्लम होगी? उल्टा मैंने तुम्हें झूठ बोला, ये बात मुझे कब से खाई जा रही थी। मिक्स्ड इमोशंस हो गए थे यार, कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं। तुम सही कहती हो, मुझे मेरी चीजें फिगर आउट ही नहीं होती। साइली मैं नहीं जा रहा हूं उस ट्रिप को। यार तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। मुझे ना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा मत बोलो यार, मुझे पता ये बात मुझे तुम्हें बहुत पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन इन्फ्लुएंस में आ गया था ना मैं। तुम्हें मेरी केयर कंट्रोल जो करना है करो, बस इतना गुस्सा मत करो। मुझे पता है मैंने सब बिगाड़ दिया है। देखो प्रशांत तुम जाओ, एटलीस्ट किसी की तो छुट्टी अच्छी जाएगी। वैसे भी ना मैं तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे आई के घर जाना। नहीं, नहीं, सुनो। हटो, मैं 4 दिन आई के घर जाऊंगी, मुझे बेटर फील होगा। मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। नहीं मेरी बात सुनो, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। मेरी बात तो सुनो। नहीं हटो, छोड़ो। कपड़े कहाँ है मेरे? मेरे कपड़े कहाँ है? मैंने हमारे लिए ट्रिप अरेंज की है, 3 days 2 nights, बुकिंग्स भी हो गई। तो कैंसिल कर दो।
नहीं कर सकता। तो किसी और को साथ में लेके जाओ, आई डोंट केयर। यार तुम ही तो बोल रही थी कि टाइम नहीं मिलता, अच्छे से बात नहीं होती। अब टाइम मिल रहा है तो तुम ही नहीं बोल रही हो। जाते हैं ना यार, हमारा साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी पता है। आई सेड आई डोंट केयर। बट आई डू, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूं ना, बुकिंग से यार। अगर तुम नहीं आए तो 21,000 का नुकसान हो जाएगा। क्या 21,000? 7,000 रुपए पर डे, तो 3 दिन का 21,000। अरे यार क्या करना है? कार के लिए सब्जी वाले से तुमने बार्गेन करके जो 5-5 रुपए की सेविंग की थी ना, वो सब बेकार जाएगा। अब सब तुम पे। बहुत बड़ी अमाउंट होती है 21,000 रुपए। कुछ कुछ लोगों की तो जिंदगी निकल जाती है 21,000 रुपए कमाने में। 21,000 रुपए बड़ी अमाउंट, 21,000 रुपए। बकवास बंद करो, कोई ऑप्शन छोड़ा है तुमने मेरे पास? आना तो पड़ेगा, वहां आऊंगी तो तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, नहीं आऊंगी तो पैसा बर्बाद। हटो हटो, उधर बैठो। देखो मैं इस ट्रिप पर आ रही हूं लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। मतलब हम दोनों साथ जाएंगे लेकिन ये हमारी सोलो ट्रिप होगी। सोलो तो सोलो, साथ तो चलो। आई लराइम हो गए तो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड करके यहाँ तक आए, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और बहुत से कमेंट्स हमें ऐसे आ रहे हैं कि रिलेटेबल है, आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो आप ये शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए और सबके साथ शेयर करिए। और बहुत लोग एपिसोड देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी करवाइए। आप लोग सीरीज शुरू होने से पहले 2 मिलियन सब्सक्राइब करने वाले थे, तो प्लीज यार 2 मिलियन सब्सक्राइब कर दो प्लीज। थोड़े से ही बचे हैं। करवा दो यार, हमें भी सेलिब्रेट करना है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। बाय 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 बाय।